फ्रेंड, मैं हूँ मानिक मुंडोर, मैं लैपटॉप डेस्कटॉप एंड फोन का टेक्नीशियन हूँ। तो फ्रेंड, मेरे पास एक लैपटॉप है आया है, इसमें जो प्रॉब्लम है अभी बताता हूँ। और इसको जो मॉडल है देखिए, ये इनस्पिरन 15 3000 सीरीज का डेल का लैपटॉप है। देखिए, इसको हम डीसी मशीन से ऑन करते हो, इसको जो पावर 12 तक देता है। देखिए, हम इसको प्रेस करता हूँ, ऑन करता हूँ। देखिए, अब विंडोज का सिंबल आता है, उसके बाद देखिए डेल का लैपटॉप ऑन होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। देखिए अभी क्या हो रहा है, थोड़ी टाइम वेट करना पड़ेगा, देखता हूँ। ये देखिए घूमने, अरे देखिए ब्लैक स्क्रीन आ गया। और एम्पियर देखिए उस टाइम पे कितना लिया था, अभी 5.33। इसको डिस्प्ले आने के लिए जितना है वो नहीं आ रही है। देखिए तो इसमें देखिए 5.78 3.17 है, अभी देखिए बंद हो गया है, यही प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए, एक बात तो होता है, देखिए हम ये है फॉर डेल के लिए जो है कनेक्टर, हम वही लगाया है। और डीसी मशीन से साथ कनेक्ट करता हूँ। देखिए इसको कितना है, 7 12 13, मतलब ये तो ऑन हो जाता है। देखिए ऑन हो गए, जिस टाइम विंडोज का सिंबल भी आता है फिर ब्लैक स्क्रीन आकर फिर बंद हो जाता है। और अभी देखिए इसमें देखिए 7 8 कितना 6, ये देखिए ऑन हो गया। कभी कभी ये होता है कि ऑन हो जाता है, उसके बाद दिखाता हूँ पासवर्ड लगा के। देखिए पासवर्ड ऑप्शन आया, देखिए फिर बंद हो गया। इसमें देखिए उस टाइम पे तो ज्यादा एम्पियर लिया था, अभी देखिए 0.43, अब फिर बंद हो गए, यही प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे सोल्यूशन करते हैं वो आज आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट टाइम पे हम लोगों को बेसिक चेक करना है। बेसिक क्या चेक करना है, लैपटॉप को बैटरी है, बैटरी को हम डिसअसेंबल को, पहले डीसी जैक को ओपन करूंगा, उसके बाद में बैटरी को डिसअसेंबल करूंगा। देखिए बैटरी को हम ओपन करके देखता हूँ जो प्रॉब्लम हमारा जो था वो सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है। अभी ऑन करता हूँ, देखिए ऑल एम्पियर तो ज्यादा, देखिए लैपटॉप विंडोज का सिंबल आ गया। और देखिए ऑन भी हो गया, और उसके बाद पासवर्ड डालता रहूं। देखिए अभी बंद नहीं हो रही है, तो मतलब हमारा जो लैपटॉप का जो प्रॉब्लम है वो बेसिक का प्रॉब्लम है। आजकल ज्यादा लोग ऐसे प्रॉब्लम आएगा तो पूरा बोर्ड को खोलता है और कुछ करता है, लेकिन बेसिक जो प्रॉब्लम है वो नहीं देखता है। लेकिन देखिए ये बैटरी का ही इशू है। और एक चीज देखना है हम जो, देखिए अभी तो बंद नहीं हो रही है, और इसको हम शट डाउन करता हूँ। शट डाउन करने के बाद और एक चीज चेक करना है, जब हमारा बैटरी प्रॉब्लम है ना, लैपटॉप का चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम है। इसको हम बंद करता हूँ लैपटॉप को पहले, थोड़ी देखिए शट डाउन हो गया। हम ये जो
बैटरी का कनेक्टर है, ये देखिए, इसको मेजरमेंट करना है, जो एटलीस्ट 3.3 सप्लाई 3 कनेक्टर में आएगा तो ये ओके है। हम इसको, ये दोनों है, ये ग्राउंड है, इसको हम चेक करता हूँ। देखिए, ये देखिए 3.29 एम्पीयर ले रही है एक कनेक्टर में, दूसरा कनेक्टर में 3.2 है, तीसरा में 3.29 है। और ये जो है बैटरी कनेक्टर लेने के बाद ये और ये बढ़ेगा, लेकिन हमारा जो लैपटॉप का जो मदरबोर्ड से जो सप्लाई आना चाहिए बैटरी चार्जिंग होने के लिए, पूरा बिल को रोके है, लेकिन हमारा ये बैटरी फॉल्टी है, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड देखिए, फिर भी आप लोगों को दोबारा हम ऑन करके दिखाता हूँ हमारा लैपटॉप का जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन हुआ ना नहीं हुआ। देखिए एम्पियर तो ठीक है, ठीक ही लिया है इसमें, थोड़ी रंग लगता है। देखिए हमारा लैपटॉप ऑन हो गया और पासवर्ड देता हूँ। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हम इसमें जो प्रॉब्लम है ओनली बैटरी फॉल्टी है, इसलिए ये जो प्रॉब्लम आया था ऑन होने के बाद ऑफ हो जाता था, बैटरी ठीक नहीं है। देखिए हम पूरा मेरा जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन हो गया, ओनली बैटरी नया लगाऊंगा तो फिर एक पूरा फुल सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी स्मूथली काम कर रही है, मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन हो गया। सॉरी गाइस, अभी अभी थोड़ी टाइम पहले मेरे पास आया है, लेकिन बैटरी नया मेरे पास नहीं है, इसलिए हम जो प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोगों को पास ऐसे प्रॉब्लम आएगा तो कैसे सोल्यूशन करता हूँ आप लोगों को बता दिया। तो मेरे वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते मत भूलिए। जय हिंद।